रोज रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सरिया वेस्ट में। सरिया पश्चिमी एक बहुत ही विशिष्ट और विशेष पंचायत है सरिया प्रखंड का, जिसके मुखिया माननीय मुखिया श्रीमती शुभा देवी जी हैं। और इस पंचायत में बतौर मुखिया प्रतिनिधि बहुत ही अनुभवी समाज सेवी और प्रसिद्ध जनप्रतिनिधि श्री फागु पंडित जी इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं। पिछले 10 वर्षों से इनकी पत्नी इस पंचायत की मुखिया हैं और ये इस पंचायत के सक्रिय समाजसेवी और जनप्रतिनिधि हैं। आज मैं सरिया प्रखंड अंतर्गत इस सुंदर समृद्ध और विकसित पंचायत सरिया पश्चिमी के भ्रमण पर हूँ। माननीय मुखिया प्रतिनिधि महोदय हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है। आज इनसे कई विषयों पर बातें होंगी। पिछले 10 वर्षों से प्रमुख रूप से कौन कौन से काम करने में यहाँ की माननीय मुखिया और प्रतिनिधि महोदय सफल हुए हैं, सरकार की कौन कौन सी महत्वकारी और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इन दोनों सम्मानित जन प्रतिनिधियों ने अपने पंचायत वासियों तक पहुँचाया है, किस तरह से पहुँचाया है, अपना काम करने में कितना हद तक ये सफल हो पाए, इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बातें होंगी इनसे और इनके माध्यम से जाने का प्रयास करेंगे इनके पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल को और जो विकास के काम इन दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों के सौजन्य से इस पंचायत में हुए हैं, उन सभी कार्यों का भी जायजा लेंगे इन्हीं के माध्यम से। तो आइए इनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रीमान। आपको भी धन्यवाद। मेरे साथ इस समय श्री फागु पंडित जी हैं, माननीय मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत सरिया पश्चिमी। आइए इनसे बात करते हैं। पंडित जी, पिछले 10 वर्षों से आपकी पत्नी इस पंचायत में मुखिया है, आप उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जी। प्रमुख रूप से कौन कौन से काम आपने पिछले 10 वर्षों में इस पंचायत के विकास के लिए और यहाँ की इस पंचायत की जनता लाभान्वित करने के लिए आपने किए जी? शुरू में जब पंचायत की चुनाव हुआ, चुनाव में मेरी पत्नी जीती और हमने देखा कि शुरू में यहाँ के जितने भी गरीब गुरबे के लोग थे, लोगों का विधवा पेंशन की यहाँ बहुत कमी थी और सबसे पहला काम हमने जो किया वो विधवा पेंशन का काम किया और लोगों को जो जरूरतमंद लोग थे उनको हमने दिया। साथ ही साथ वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन पर प्रमुख फोकस आपका रहा जी। बात अगर आंकड़े की जाए तो लगभग कितनी संख्या में वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन का लाभ आपने अपने पंचायत के गरीबों तक पहुंचाया? मैं 370 लोगों को मैंने दिया। उसके बाद सेकंड बार भी लगभग 150 लोगों को, जो लगभग 600 लोगों को हमने विधवा पेंशन करवाया। विकलांग पेंशन और राशन कार्ड जैसी जो सुविधाएं हैं उस पर कितना काम हुआ? राशन कार्ड लेकर के हमने काफी प्रयासरत रहा और हमने हर समय यह प्रयास रखा कि किसी भी हाल में गरीब लोग नहीं छूटे और लगभग गरीब परिवार को हमने राशन कार्ड उपलब्ध करवाया। बात अगर प्रधानमंत्री आवास की जाए, लगभग कितनी संख्या में लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया? प्रधानमंत्री आवास जो मेरे यहाँ है बहुत कम लोगों को मिला, क्योंकि ये नगर पंचायत घोषित हो गया। नगर पंचायत बनने के बाद यहाँ सारा काम, नरेगा काम हो या फिर आपका 14-15वीं वित्त का योजना का काम हो, सभी काम बंद कर दिया गया। तो यहाँ प्रधानमंत्री आवास का बहुत कम काम हुआ है, लेकिन मैं आशा करता हूँ आने वाला समय में लोगों को मिले। SBM के तहत शौचालय पर आपकी क्या राय है, कितनी संख्या में लोगों को पहुंचाना है? SBM के तहत हमने 470 शौचालय यहाँ बनवाए, लगभग जरूरतमंद लोगों को हमने दिया। क्या सरिया पश्चिमी पंचायत एक ODF फ्री पंचायत है? जी है। कब हुआ ये? ODF 2016 में हुआ।
2016 का, आपको बधाई। आप सुन रहे थे श्री फागू पंडित जी को, माननीय मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत सरिया पश्चिमी, और पिछले 10 वर्षों में इनकी पत्नी और इनके माध्यम से जो काम प्रमुख रूप से पंचायत में हुए हैं उन सभी कार्यों को ये हम सभी के सामने संक्षेप में रख रहे हैं। भाई समय गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड अंतर्गत सरिया पश्चिमी पंचायत में हूँ। मेरे साथ इस समय इस पंचायत के माननीय मुखिया प्रतिनिधि सह प्रसिद्ध समाज सेवी फागू पंडित जी हैं। आपको बता दूं कि ये जो सरिया पश्चिमी पंचायत है ये सरिया प्रखंड अंतर्गत एक सुंदर समृद्ध और विकसित पंचायत है। सरिया शहर जो है उसके बीचों बीच उसके पास बिल्कुल समीप स्थित है ये। और आपको ये भी बता दूं कि ये जो पंचायत है सरिया पश्चिमी ये अब पंचायत ना होकर ये सरिया नगर निगम के अंतर्गत चला गया है। और श्रीमान फागू पंडित जी जो है वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि इस पंचायत के, आने वाले समय में अब सरिया नगर निगम से बतौर महापौर प्रत्याशी चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में। आइए बात करते हैं इनसे और जानने का प्रयास करते हैं। श्रीमान आपका स्वागत है जी। पूर्व में आपने इस पंचायत में बहुत सेवाएं की है, अभी भी आपकी सेवाएं निरंतर जारी है। 10 वर्षों से आपकी पत्नी पंचायत की मुखिया, आप उनका प्रतिनिधि, अब आपका पंचायत नगर निगम के अंतर्गत चला गया, आने वाले समय में महापौर का चुनाव लड़ने की तैयारी में जी। क्या लगता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे? इस पर मैं कहना चाहेंगे 10 साल से मैं मुखिया का प्रतिनिधित्व किया हूं और 10 साल से यहां की जनता ही चुनाव जीतते आई है। और इस बार भी मुझे विश्वास, आत्मविश्वास है कि आने वाला नगर पंचायत का जो चुनाव होगा यहाँ की जनता जीतेगी और मैं एक सेवक के रूप में जनता का काम करूंगा। आने वाले समय में जब चुनाव होंगे नगर निकाय के, तो आप इस पंचायत से बतौर महापौर चुनाव लड़ेंगे और आपके अनुसार आप चुनाव नहीं, आपके पंचायत, आपके इस क्षेत्र की जनता लड़ेगी जी, और आप एक सेवक के रूप में उनकी सेवा करेंगे जी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आने वाले समय में जब चुनाव होंगे नगर निकाय के, तो आपके इस क्षेत्र की जो जनता है पूरे वो आपका साथ देगी। आपने अगर उनका सेवा किया है सच्चे दिल से, तो आपके इस पूरे क्षेत्र की जो जनता है वो जागरूक है, समझदार है, पढ़ी लिखी है, उचित और अनुचित के बीच का फर्क जानती है, सही समय आएगा तो सही निर्णय भी लेगी। फिलहाल हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, होली की बधाई। श्रीमान, किसी भी पंचायत की आम जनता के कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती है, इनकी कुछ बुनियादी जरूरतें होती है, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, इन क्षेत्रों में आपने कितना काम किया है अब तक? सर्वप्रथम आप ये बताएं कि आपके पंचायत सरिया पश्चिमी में पानी पेयजल की क्या स्थिति है? सरिया पश्चिमी पंचायत में पेयजल की जो व्यवस्था है चरमराई ही भी है, क्योंकि यहाँ आज से 10 साल पहले पीएचडी के द्वारा पंप लगाया गया, लेकिन बिल्कुल जर्जर स्थिति है। हमने 5 साल तक अपने स्तर से लोगों को पानी उपलब्ध करवाया, लेकिन नगर पंचायत बनने के बाद यहाँ पानी 3 महीना से बंद है, लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। समस्याएं हैं, इस समस्या के निदान के लिए आपके तरफ से कुछ प्रयास हो रहे हैं क्या? इस समस्या के निदान के लिए मैं डीसी साहब को भी चिट्ठी लिख चुका हूँ, मैं विभागीय जो पीएचडी का आला अधिकारी है उनसे भी मैं मिल चुका हूं, अपना आवेदन भी दे चुका हूं, लेकिन उन लोगों ने एक ही चीज कह के टाल दिया जा रहा है कि यह जो है नगर पंचायत के अंतर्गत है, इसलिए अभी यह कार्य होना संभव नहीं है। चलिए, समस्या है पानी के लिए जिसके लिए आप प्रयासरत हैं, आशा करते हैं कि आने वाले समय में ये जो समस्या है उसका निष्पादन हो। श्रीमान आप ये बताएं कि आपकी पंचायत सरिया पश्चिमी में सड़कों की क्या वर्तमान स्थिति? सड़कों की वर्तमान स्थिति मेरे गाँव क्षेत्र में जो है लगभग मैं दुरुस्त करवाया हूं, उसके बावजूद भी जगह तो ये जो है जो दुरुस्त लगभग कहीं कहीं नहीं हो पाया है, और मैं उसके लिए प्रयासरत हूं, मैं लड़ाई लड़ता हूं। पीसीसी युक्त निर्माण और पैवर ब्लॉक का निर्माण कुछ हुआ है क्या? जी हुआ है, मैं करवाया हूं। करवाया जी। बात अगर बिजली की जाए तो बिजली की वर्तमान स्थिति से क्या आप संतुष्ट हैं? जी अभी यहां की जो स्थिति लगभग ठीक है। स्ट्रीट लाइट और सोलर लाइट जैसी फैसिलिटीज वो भी ठीक है। कितनी संख्या में आपने स्ट्रीट लाइट लगवाए? हमने 200 लगभग लगवाए। क्या जो लाइट्स लगे हैं वो वर्तमान में सुचारू रूप से काम कर रहे जी? कर रहे, कुछ है जो कि अभी बंद है लेकिन उसको मैं बनवा रहा हूँ। वो जो बंद पड़े लाइट्स हैं क्या उनके मरम्मत का काम हो रहा है? जी हो रहा है। चलिए श्रीमान आप ये बताइए कि आपके पंचायत सरिया पश्चिमी में कुल शिक्षण संस्थानों की अगर बात की जाए तो सरकारी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र कितनी संख्या में है?
यहाँ लगभग 7 विद्यालय हैं और 5 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। एक पंचायत प्रमुख के रूप में आपको आपके पंचायत में संचालित जो शिक्षण संस्थान है उन संस्थानों में आपके सौजन्य से कौन कौन सी लाभ और क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है? मैं प्रत्येक विद्यालय में आपका पानी का व्यवस्था करवाया हूँ। आज वहाँ के बच्चों को लगभग मैंने नियमित रूप से पानी मिल रहा है। पानी मिल रहा है, शौचालय जी, शौचालय की भी व्यवस्था है, हैंड वॉश यूनिट, हैंड वॉश की भी व्यवस्था है। श्रीमान आप ये बताएं कि क्या आपके पंचायत में कोई उप स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र सुविधा है? क्या है? जरूर, लेकिन यहाँ डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर अनुपस्थिति है। यहाँ हमने कई एक बार मैंने ऊपरी अधिकारी से भी बात किया लेकिन अभी किसी तरह का पहल नहीं हो रहा है। किसी तरह का कोई नहीं, भवन निर्मित है? अर्धनिर्मित है भवन, अर्धनिर्मित। आप सुन रहे थे श्री फागू पंडित जी को, जो कि माननीय मुख्य प्रतिनिधि हैं ग्राम पंचायत सरिया पश्चिमी के। सरिया प्रखंड अंतर्गत ये बहुत ही अच्छा पंचायत है और पंचायत स्तर पर पिछले 10 में जो काम इन्होंने प्रमुख रूप से किए, आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की वर्तमान स्थिति से ये हम सभी को अवगत। पंडित जी, कोरोना महामारी के दौरान पंचायत सरिया पश्चिमी में मुखिया जी और आपके सौजन्य से किस तरह से काम किया? जब कोरोना महामारी यहाँ आया मार्च से मैं यहाँ की जनता को जगाने का कार्य किया। मैं खुद घर घर जाकर के अनाउंसमेंट करके लोगों को बताया कि कोरोना के समय कैसे लोगों को रहना है, क्या क्या इस्तेमाल करना है, क्या क्या प्रयोग करना है जिससे बच सकते हैं। मैं अपने से पूरे इलाके में, नगर पंचायत जितना बड़ा मेरा इलाका है, पूरे इलाके में मैं सैनिटाइज दिनों रात किया, लोगों को जागरूक करते रहा और मेरा हर संभव प्रयास रहा कि मैं किसी भी हाल में अपने नगर पंचायत में कोरोना महामारी का एक भी व्यक्ति संक्रमित नहीं हो। और मैं यहाँ के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ जो पिछले वर्ष रहा किसी भी तरह का अनहोनी घटना कोरोना महामारी से नहीं हुआ और मैं उससे बहुत खुश हूँ। और यहाँ उस समय भी काफी यहाँ ट्रेन की जो व्यवस्था थी, ट्रेन से काफी लोग यहाँ उतरे जिसका हमने तन मन और धन से भी सेवा जनता का किया। जो बाहर से लोग आए और लोग खुश हुए कि सचमुच में अगर हमने देखा सेवा करते हुए तो एक आप ही हैं जो दिन रात लग करके इस महामारी में आपने सेवा किया और आप अपना चिंता नहीं किया। मैं उस समय भी लोगों को यही कहा था कि मैं मर जाऊं इसका परवाह नहीं है, लेकिन मैं किसी भी हाल में जनता को सुरक्षित देखना चाहता हूं और मैं ऊपर वाला के भी धन्यवाद देता हूं कि किसी तरह का यहां आपको बाल बांका तक नहीं हुआ। चलिए, भलाई के पास हैं आप सभी। श्रीमान फागू पंडित जी को आप सुन रहे थे, वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि, सुप्रसिद्ध समाज सेवी, ग्राम पंचायत सरिया पश्चिमी और भावी महापौर प्रत्याशी सरिया नगर निगम। कोरोना महामारी के दौरान पंचायत स्तर पर एक समाज सेवी और जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी सक्रियता और अपनी जो भागीदारी है उन सभी से हम सभी को अवगत करवा रहे हैं। मुखिया जी, आज शबे बारात का त्यौहार मनाया जाएगा पूरे देश और दुनिया के मुस्लिम धर्मावलंबियों के द्वारा, और आज और कल पूरे देश भर में और दुनिया भर में रंगों का त्यौहार होली भी मनाया जाएगा। एक जनप्रतिनिधि के रूप में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने पंचायत, अपने प्रखंड, जिले और पूरे देश की जनता? मैं तमाम लोगों को पहले होली का बधाई देता हूं, साथ ही साथ मैं मुसलमान भाइयों को सुबह बारात का बधाई देता हूं। और जो सरकार का गाइडलाइन है ये कोरोना महामारी का, मैं सबों से अनुरोध करूंगा कि सरकार का गाइडलाइन का पालन करें, सामाजिक दूरी बना करके होली का त्यौहार मनावें और रंगारंग त्यौहार मनावें, लेकिन दूरी बना करके मनावें। मैं यही बात मुसलमान भाइयों से भी कहता हूं, यह त्यौहार आपका मेरे आस्था का त्यौहार है और आप सरकार के गाइडलाइन को मानते हुए यह त्यौहार को आप खुशी खुशी मनावें। श्रीमान फागू पंडित जी को आप सुन रहे थे, माननीय मुखिया प्रतिनिधि हैं ग्राम पंचायत सरिया पश्चिमी और भावी महापौर प्रत्याशी है सरिया नगर निगम के। अपने पंचायत और प्रखंड के साथ साथ पूरे देश और दुनिया के जो लोग हैं उन सभी को एक संदेश दे रहे थे शबे बारात और होली के त्योहार के विशेष अवसर। अपने स्तर से
सभी से आग्रह भी कर रहे थे कि दोनों त्योहार उत्साह पूर्वक तरीके से आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ आपस में मिलजुल कर आपस में खुशियां और प्रेम बांटते हुए मनाएं। लेकिन चूंकि कोरोना महामारी का समय चल रहा है तो हम सभी जागरूक हैं, हम सभी सच्चे भारतीय हैं और हम सभी का ये कर्तव्य और उत्तरदायित्व बनता है कि हम सरकारी दिशा निर्देशों और गाइडलाइंस का अक्षरशः पालन करते हुए वर्तमान जो परिस्थिति है उसी के हिसाब से कोरोना महामारी के प्रति सतर्क रहते हुए आपस में खुशियां बांटते हुए प्रेम पूर्वक उत्साह पूर्ण तरीके से ये दोनों त्योहार मनाएं और आपस में खुशियां बांटें। बहुत बहुत धन्यवाद।